यार यहाँ बोट ने फिर से एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर दी है। अंडर 1500 वॉच सेगमेंट में एक वॉच और इन्होंने ले आया है, बोट वेव एक्टिव। इसके पहले इन्होंने हाल ही में बोट वेव कॉल 2 और बोट स्टॉर्म 2 अलग अलग वेबसाइट पर, एक फ्लिपकार्ट पर, एक अमेजोन पर लॉन्च किया था। वहां पे लोग कंफ्यूज थे तो बता दे यार वो दोनों वॉच तो एकदम सेम थी। नहीं समझ में आ रहा पहले वीडियो देख लेना, सिंपल भाषा बता दे एकदम सेम वॉच है हमारे हाथ में है फिलहाल। और ये वॉच जो है अंडर 1500 मोस्ट अंडर रेटेड वॉच है, और ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है हमको 1300 की, और यहाँ पे बोट वेव एक्टिव आ गया है 1500 में। तो क्या हमें बोट वेव एक्टिव लेना चाहिए या फिर इन दोनों में से कोई एक लेना चाहिए, बोट स्टॉर्म 2 या फिर बोट वेव कॉल 2? तो यार यहाँ पे हम बता दें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो कुछ ही हैं जो कि आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल डायल और डिस्प्ले की क्वालिटी ये बदल दी गई है। यहाँ पे प्लास्टिक व्हील वो भी है, बोट वेव एक्टिव और प्लास्टिक व्हील ये दोनों भी है, स्टॉर्म कॉल 2 और वेव कॉल 2। लेकिन डायल की जो क्वालिटी वो थोड़ी सी प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे बटन, यहाँ पे जो क्राउन वाला दिया हुआ था वेव कॉल 2 और स्टॉर्म 2 में, वो चेंज करके बटन कर दिया गया है और हल्का सा रेड एक्सेंट भी दिख रहा है वहां पे। तो डायल क्वालिटी चेंज की गई, डिस्प्ले की क्वालिटी भाई बड़ी कर दी गई है। यहाँ पे 1.83 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, बोट वेव एक्टिव में 1.96 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्त, एकदम सेम क्वालिटी, पिक्सल विक्सल एचडी वेचडी निट्स ब्राइटनेस सब कुछ जो है एकदम सेम है इन दोनों वॉच के मुकाबले। और वहीं पे जो सबसे बड़ा चेंज हमको लगा है वो है यार इसके बैटरी बैकअप को लेकर के। यहाँ पे 400 mAh की बैटरी कर दी गई है बोट वेव एक्टिव में, और यहाँ स्टॉर्म कॉल 2 और वेव कॉल 2 में 230 mAh की, यानी 230 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात यार डिस्प्ले बड़ा है तो बैटरी बड़ी है, ये मत समझना कि डिस्प्ले बड़ी है तो बैटरी बैकअप जो है उतना ही देगा, नहीं थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप एनहांस होगा क्योंकि इतना नहीं जमीन आसमान का अंतर आ गया डिस्प्ले में। तो थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिलेगी बोट वेव एक्टिव में। वहीं पे बहुत लोग कहेंगे भैया ब्लूटूथ भी दिखा रहा है चेंज, 5.1 कर दिया है एक्टिव में और 5.2 दिया हुआ है यहाँ पे कॉल 2 में। तो यार यहाँ बोट का हम बता दें छोटी मोटी मिस्टेक को करता रहता है, अपने मैनुअल्स में अलग ब्लूटूथ बता देगा, वेबसाइट पे अलग ब्लूटूथ बता देगा, तो भैया वो चलता रहता है, तो उसकी टेंशन ना लेना। बाकी तीन बड़े डिफरेंस है, एक तो डायल की क्वालिटी, एक डिस्प्ले साइज और एक बैटरी, तो ये तीन चीज बड़ी है। अब यहाँ पे क्या चीज बेकार हो गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो बहुत लोगों की नीड रहती है यार ये मेटल स्ट्रैप, जो कि आपको बोट वेव एक्टिव में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ये मेटल स्ट्रैप चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा बोट वेव कॉल 2 पर या फिर बोट स्टॉर्म 2 पर, दोनों में से जो सस्ती मिले वो लेना, सेम वॉच है। इवन ये भी एक्टिव भी सेम वॉच है, बस तीन डिफरेंसेस के साथ, और 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेड करने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जब मेटल स्ट्रैप आप लोगे इसमें वेव कॉल 2 और स्टॉर्म 2 में तो वो भी 1500 के ही मिलेंगे, और वेव एक्टिव में मेटल स्ट्रैप आता नहीं है तो 1500 में आपको सिलिकॉन बिल्ड वाला लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज और जान लो दोस्त, ये तीनों ही वॉचेस अंडर 1500 मस्ट बाय स्मार्ट वॉचेस हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये वाला रिव्यू आप जरूर देखना इस वॉच का, और इस रिव्यू को आपने देख लिया तो ये तीनों ही वॉच के आपने रिव्यू देख लिया, बस जो डिफरेंस बोट वेव एक्टिव में था वो हमने आपको बता दिया है। तो अगर तीनों की वॉचेस के बारे में अच्छे से जानना है तो ये वाला रिव्यू जरूर देखना हमारा, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पूरे YouTube में किसी ने बताया होगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो जान कि ये तीनों वॉचेस आते हैं क्रेस्ट प्लस ओएस के साथ, जो कि वॉच में आता है, और फोन में देखने को मिलता है आपको बोट क्रेस्ट ऐप का सपोर्ट, जो कि अंडर 1500 शायद ही किसी स्मार्ट वॉच ब्रांड में देखने को मिलता होगा खुद का ओएस जो कि टोटली मेड इन इंडिया है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा वीडियो का, जरूर देखना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में दे ही देंगे। और यहाँ पे हम अपना ओपिनियन अगर बता दें, अगर आपकी रिस्ट बहुत पतली दुबली है ठीक है तो भाई ज्यादा बड़े वॉचेस की तरफ मत जाए करो, थोड़ा सा बल्की हो जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप एक्टिव की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिस्ट पतली है तो भाई वहां पे आपके लिए ये सफिशिएंट है। इवन हमारी रिस्ट देखो अच्छी खासी चौड़ी है लेकिन फिर भी सही लग रहा है ये वॉच। तो अगर आपको हैवी वॉच का लुक नहीं पसंद है तो एक्टिव की तरफ मत जाना। और यहाँ पे अगर जिनकी रिस्ट जो बहुत पतली है या फिर अगर आप लड़की हो, मतलब आप नहीं जो लड़की हमारी वीडियो देख रही है, अगर उनको लेना है तो डेफिनेटली आप वेव कॉल 2 और स्टॉर्म 2 की तरफ जाना, वो हाथों में ज्यादा सही लगेगा। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बहुत लोग कहेंगे भैया इसका रिव्यू कब कर रहे हो, क्या हम बाय नहीं करने वाले हैं? तो हाँ दोस्त, जितने भी रिव्यूज हम करते हैं चैनल पे वो खुद अपने पैसों से प्रोडक्ट बाय करके रिव्यू करते हैं, इवन ये भी और जितने प्रोडक्ट है चैनल पर। तो यहाँ पे सेम वॉच एक्सपीरियंस देखने को मिलता है बोट वेव एक्टिव में, तो हमारा वहां पे पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो डिफरेंस था वो हमने आपको बता दिया है। अगर आपकी नीड बोट वेव एक्टिव से पूरी होती तो वो ले लेना, और अगर आपकी नीड वेव कॉल 2 या फिर स्टॉर्म 2 से पूरी होती तो वो ले लेना। बाकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात कर ले यार तो एकदम सेम है, एकदम सेम, कहीं पे भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये तीनों ही आपको क्रेस्ट प्लस ओएस के साथ आते हैं, जो यूआई आपको वॉच के अंदर मिलता है, और वहीं पे जो ऐप सपोर्ट है वो है क्रेस्ट ऐप का। तो यहाँ 700 एक्टिव मोड्स, 1000 प्लस वॉच फेसेस और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यार, जो कि तीनों में ही सेम टू सेम मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे फुटबॉल वाला मैटर हमको लग रहा था एक्टिव, क्योंकि हम बोट ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट कर रहे थे तो हमने कहा यार क्रेस्ट प्लस ओएस है तो फुटबॉल और क्रिकेट अपडेट्स वाला तो होना चाहिए, तो वहां नहीं शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही अमेजोन के पेज पर गए तो वहां पर देखो यार आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फुटबॉल अपडेट और क्रिकेट अपडेट ये सपोर्ट करता है बोट वेव एक्टिव। तो ऑल ओवर यार एकदम
सेम वॉच है, चाहे आप कोई भी स्पेसिफिकेशंस मिला लो तीनों की, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो भैया इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लिया करो अगर कमेंट में जवाब ना दे पाए। और जैसा कि हमने बताया यार, जितने भी प्रोडक्ट्स हम रिव्यू करते हैं अपने पैसों से खरीदते हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है आप लोग की वजह से, क्योंकि आप लोग यूज करते हो हमारा एफिलिएट लिंक, जिससे थोड़े बहुत कमीशन बनते हैं और उनसे हम एक तगड़े प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर आप तक एक धाकड़ और सच्चा रिव्यू लेकर के आ पाता है, क्योंकि ब्रांड का कोई दबाव नहीं रहता है। तो यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।